है तो वही वीडियो भी बनानी है कि मैंने आपको धमकाया है। पता नहीं इसके बाद मैं कभी वीडियो बना भी पाऊंगा या नहीं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूमाइल, आपका फेवरेट यूट्यूबर। और यार ये वीडियो मैं कभी भी ना बनाता था, लेकिन मुझे कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से बनानी पड़ रही है। तो यार वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और सीन सारा ये है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक अपॉलॉजी वीडियो बनाई थी, तो सारा का क्या सीन है वो सब मैं बताता हूँ। यार आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि मेरी फैमिली को या और मुझे कुछ नंबरों से थ्रेट्स आ रही है, ये तुम लोग नंबर देख सकते हो। तो कभी कोई कुछ बन के बात कर रहा था तो इस किस्म से, तो मेरी वालदा के नंबर में भी फोन आया था, तो उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी, तो जाली फोन आना शुरू हो गए थे। कि सबसे पहले तो यार मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ना मैंने ये कहा है कि ये सब डकी भाई ने करवाया, और ना ही ये वीडियो किसी के कहने पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम सबको ये सब बता दूं, आने वाले टाइम पे अगर ये सब दोबारा होता है तो इसके लिए पहले से इन्फॉर्म होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो, इसके बाद मेरा चैनल वैनल भी उड़ जाए। तो यार सीन सारा ये है कि मैंने कुछ टाइम पहले ये वीडियो बनाई थी, ये वाली मुनीब के नाम से, तो कहानी सारी वहां से शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने कॉमेडी वीडियो बनाई थी डक्की भाई के ऊपर, जिसमें एक स्क्रीनशॉट था, तो वो वहां से ट्विटर पर कैंपेन चलना शुरू हो गई थी, तो वहां से कहानी स्टार्ट। अब उसके बाद फिर डक्की भाई का मैसेज वगैरह आया था मेरे पास, तो वो बात को वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद डक्की भाई ने मेरे को एक मैसेज करके बोला था, ये तुम लोग सुनो, आप वीडियो बना लो, ठीक है, आपको अगर ट्विटर से रिमूव करवाना है, ठीक है, तो आप मुझे यहीं पे चैट पे बता दो, एक वॉइस नोट भेज दो कि आपने ये किया है, ठीक है, मैं वो ट्विटर पे पोस्ट करके पुरानी डिलीट कर देता हूँ, मैं नीचे कैप्शन लिख देता हूँ कि आपको कोई तंग ना करे। डक्की भाई ने मेरे को मैसेज करके बोला था कि ये मेरे को मैसेज कर दो वॉइस में, तो मैं सारी रिमूव कर दूंगा ट्वीट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे कैंपेन चल रही थी मेरे खिलाफ। तो मैंने ये मैसेज कर दिया जब, तो उसके बाद भी ट्वीट रिमूव नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा ट्वीट हो गया, मुझे डिफेम करा गया और मेरे ही वीडियो को यूज़ करके खुद हीरो बनेंगे। मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा, मैंने जाने दिया, मैंने कहा यार चलो मेरा चैनल है उड़ना जाए, तो मैंने उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर 18 जून को रात को 7-8 बजे के टाइम मेरा अकाउंट हैक हो गया, और ये जो फोन नंबर इस टाइम तुम लोग देख रहे हो, इस फोन नंबर ने मेरे अकाउंट के सारे एक्सेस रिमूव कर दिए, जिसमें मेरा ट्विटर भी शामिल था, मेरा फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक अकाउंट वगैरह सब। जो मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगी थी, क्योंकि मेरे पास एक तो कॉल्स आ रही थी अलग अलग डिफरेंट नंबर से, धमकियों की, थ्रेट्स की मुझे, मेरी फैमिली को, क्योंकि मेरा अकाउंट्स चले गए थे तो मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। और इस बात का मैंने डक्की भाई को बताया था, तो डक्की भाई ने कोई इस बात का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मेरे को ये भी बोला गया था कि मीमर्स को पैसे दे के, या मैंने लाख व्यूज डलवाए थे या पेड वगैरह, तो यार इस किस्म की कोई भी बात नहीं थी। हालांकि आप फेसबुक पे वायरल करवा रहे हो, लाख लाख व्यूज आपकी वीडियो पे आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मीमर से भी आपने करवाया कर रहे हैं वायरल, मैंने एक खुद देखी थी, 1000 likes पे एक चैट थी, ठीक है, एक मीम थी फेसबुक पे, 2000 likes पे भी एक थी, ठीक है। तो यार ऐसी कोई भी बात नहीं थी, ना मैंने किसी को कोई पैसे दिए थे, ना मैंने मीमर से कोई शाउट आउट लिया था। ये वीडियो खुद ब खुद वायरल हुई थी, और वायरल होने वाली चीज़ होती है तो वो हो जाती है। उसके बाद फिर मुझे बोला गया था कि अपॉलॉजी वीडियो बना लो तो ट्वीट रिमूव हो जाएंगे, ट्वीट रिमूव नहीं है, उल्टा ट्वीट बढ़ गया, मुझे मेरी वीडियो को यूज़ करके लिखा गया, सॉफ्टवेयर अपडेटेड, मैंने उस पर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार चलो जाने दो, अब बात ख़त्म हो गई है तो जाने दो। फिर वो एक लॉयर का ट्वीट आया, तो उसको यूज़ करके कुछ लोगों ने मुझे और मेरे घर के अम्मी के नंबर पर, मेरी मम्मा के नंबर पर फ़ोन करा और बोला हम लॉयर बात कर रहे हैं, तो जाली लोग थे ये सारे। और अनफॉर्चुनेटली मैं, बाकी ये नंबर तो तुम लोगों के सामने है, लेकिन मैं वो नंबर सेव नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को अर्जेंट सिम बंद करना पड़ी थी, उसके बाद जो फ़ोन्स वगैरह आए थे वो सिम बंद थी। उसके बाद यार पूरा पाकिस्तान मुझे गलत समझने लगा था, और मेरे पास अब मेरे अकाउंट्स के एक्सेस भी नहीं थे, तो इस वजह से मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सका। फिर मैंने 19 जून को सारे अकाउंट्स अपने रिकवर करवाए किसी हैकर को पैसे वगैरह देकर, कि ये मैंने फिर उसके बाद डक्की भाई को मैसेज करके बताया था कि डक्की भाई मेरे सारे अकाउंट्स वगैरह हैक हो रहे हैं, तो डक्की भाई का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, शायद ऐसा लग रहा था कि उनको या तो मालूम है या तो वो इग्नोर कर रहे थे, तो खैर जो बात है वो अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि डक्की भाई ने करवाया, हो सकता है उनके फैंस ने कराओ और ये सब था। बाकी मुझे इतनी धमकियाँ भी आई हैं कि यार ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, मैंने उसको भी इग्नोर करा, मैंने कटाया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन नंबर था वो प्राइवेट था, और वो मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से इधर उधर गया मुझे ये भी नहीं मालूम है। यार एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दिया जाए जो भी करवा रहा है। तो यार मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं कभी भी ना बनाता अगर बात मेरी फैमिली तक ना जाती, लेकिन अब जब बात मेरी फैमिली तक चली गई है, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो यार इस वजह से मुझे ये वीडियो बना के सबको बताना पड़ रहा है कि इनकेस इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ, खुदा ना खास्ता, या मेरा पेज वगैरह उड़ता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा,
ये अगर ये फैंस भी हैं डकी के, तो यार एटलीस्ट तुम लोगों को इतना सेंस तो होना चाहिए कि अभी रिसेंटली आमिर लियाकत की डेथ हुई थी, उसके बाद सबने रोना स्टार्ट कर दिया था। पहले कोई नहीं देखता कि यार हमने करा क्या है, तो यार ये ना करा करो। उसके बाद यार अब मैं यार 2-3 वैलिड पॉइंट्स रख रहा हूँ तुम लोगों के सामने, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ 2-3 वैलिड पॉइंट्स रख। यार देखो, जब एक बंदा खुद रोस्टिंग करता था ना, मैं इसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उसको उस टाइम तक सब ओके लगता था, फिर वो सबको माँ बहन की गालियाँ भी देते थे, तो कुछ नहीं होता था। दूसरी बात ये कि यार शाम इदरीस ने कुछ टाइम पहले थ्रेड मैसेज करे थे डकी भाई को, तो डकी भाई भी काफ़ी परेशान हो गए थे, 2-3 साल पहले की बात है। कि यार आज तक YouTube की तारीख में किसी ने भी डकी भाई से अपॉलोजी नहीं करी होगी, मैंने करी क्योंकि मेरी 2-3 वजहें थी। एक तो मेरा चैनल वगैरह उड़ जाता, दूसरी बात यह कि मेरे को उल्टा और ज़्यादा हेट मिलती और ज़्यादा मेरे खिलाफ कैंपेन्स चलती, तो इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और मुझे ट्वीट्स भी रिमूव करवाने थे जो नहीं हुए थे, बल्कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा गया मेरी वीडियो को, हालांकि मैंने रिस्पेक्ट में बनाई थी। और यार काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना कंटेंट देखो और डकी भाई का कंटेंट देखो, चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर बाकी कंटेंट को जज करना है तो यार एक तरफ ये वीडियो है, एक तरफ ये सारी वीडियोज़ हैं। यार वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच टू शामिर अब्बासा जिसने मेरा साथ दिया। शामिर भाई ने अगर मेरा साथ ना दिया होता तो मैं आज ये वीडियो किसी के सामने बना भी नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली तक बात चली गई थी। दूसरी बात यार ये कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा इस टाइम पे, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ऐसे टाइम पे मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और आज के बाद शायद इस चीज़ को हम कंटिन्यू भी ना करें, क्योंकि मेरा मेन मकसद था बस ये मेन चीज़ें सामने रखना। उसके अलावा यार मुझे नहीं पता आगे क्या होता है, मेरा तो यही ख्याल है कि भाई इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया, मुझे मेरी लाइफ जीने दो और मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता किसी और की लाइफ में। हाँ वो बात अलग है कि अगर मैं किसी पर कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ तो वो कॉन्टेंट टू कॉन्टेंट होता है, मैं किसी पर पर्सनल नहीं जाता, ना मैं किसी की फैमिली को बोलता हूँ, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ में जाता हूँ। हाँ अगर एक बंदा कंटेंट के लिए कंटेंट बना रहा है और वो किसी और को मजाक बना रहा है तो वो तो समझ में आता है। यार बस एंड में बस यही कहना चाहूँगा अगेन कि थैंक यू सो मच शामिर भाई, आपने मुझे सपोर्ट करा और लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं एंड में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मेरी अभी भी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। ऑन अ गुड नोट इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बस अल्लाह हाफिज़।